हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का फिजिक्स। क्लास टेंथ के साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है उसको मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम तो हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी मैंने सीरीज चलाया था, लेकिन कुछ लंबा गैप हो गया व्यस्तता के कारण। 11, 12 के बहुत से वीडियो लाइव क्लास तो वो थोड़ा लेट हो गया, और अब आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। इस बेस पर मैं उसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आया हूँ आपके लिए, और जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लाया हूँ वो टेंथ के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेंथ क्लास के लिए भी, और यह आगे चल के आपको ट्वेल्थ क्लास में पूरा सपोर्ट करेगा। पूरे ट्वेल्थ में इसको आपको पढ़ना है, इसलिए उसका बेसिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो विद्युत आज पढ़ते हैं क्लास टेंथ के फिजिक्स का हिंदी मीडियम में। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आगे चल के आपको ट्वेल्थ में कंप्लीट काम आने वाला है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम विद्युत के बेसिक चीज पर बात करें कि विद्युत है क्या चीज। एक्चुअल में विद्युत का है एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है, वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक तरह का ऊर्जा है जो आवेश उत्पन्न करने के कारण होता है। देखो, विद्युत पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं इसका बेसिक चीज को पढ़ाऊं, जिसमें सबसे पहले आवेश चार्ज ये क्या होता है। आवेश मतलब होता है, देखो, सबसे पहले आवेश का पता चला घर्षण की सहायता से। बेंजामिन फ्रैंकलिन को पतंग उड़ाते समय इस बात का एहसास हुआ, ट्वेल्थ क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो उन्होंने आकाश में जो बिजली चमकती है एक्चुअल में उसको लाइट नहीं है बल्कि विद्युत है कहा, और धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते गया कि घर्षण के दौरान जब घर्षण कराया जाता है दो पदार्थों के बीच में, जैसे आकाश में जब बादल आपस में टकराते हैं, या अगल बगल गुजरते हुए घर्षण करते हैं, तो वही हमको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है बारिश के दिनों में। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण विद्युत उत्पन्न होता होगा, और इस कॉन्सेप्ट को लेके एक प्रयोग किया गया इस प्रकार से। ये हमने एक रस्सी लिया और रस्सी में इस प्रकार से एक कांच का छड़, ग्लास का राड, जिसे हम रेशमी कपड़े से, ऊनी कपड़े से या बिल्ली के खाल से इस प्रकार से रगड़े और रगड़ के उसको लटका दिए। लटकाने के बाद दूसरे कांच के छड़ को इस प्रकार से हम ला के पास में इसके लाए, इसको भी रगड़ के, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर देखा गया प्रयोगशाला में कि ये इसमें दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन यहीं पर क्या किया गया, पदार्थ को बदल दिया गया, इसको ग्लास का किया गया और इसको किया गया एबोनाइट का। एबोनाइट का जब किया गया तो ये इसने एक दूसरे को क्या किया, आकर्षण किया। यहाँ से बात क्लियर होता है कि चूंकि इसमें प्रतिकर्षण और आकर्षण की घटना होती है, इसलिए इसमें दो तरह के आवेश होते होंगे। यहीं से आवेश का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और ग्लास में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको धन आवेश कहा गया, और एबोनाइट में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको ऋण आवेश कहा गया। इस प्रकार से धन और ऋण आवेश का पता चला। तो वास्तव में धन और ऋण आवेश होता क्या है, जब दो पदार्थ में घर्षण किया जाता है तो आवेश उत्पन्न होता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह धन आवेश बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आवेश बन जाता है। हालांकि आपको इस चैप्टर में धारा विद्युत के बारे में पढ़ना है, लेकिन आवेश का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर, तो ये है आवेश। आवेश के बाद अपन देखते हैं कि धारा, एक्चुअल में धारा की क्या परिभाषा है। तो धारा पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना है विभव, क्योंकि जब तक हम विभव नहीं जानेंगे तब तक हमको धारा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ लेते हैं विभव और विभवांतर। विभव इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। तो विभव है क्या चीज, एक्चुअल में विभव क्या है, विभव का मतलब है आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक। हम उसका डेफिनेशन बाद में देखें, पहले उसका मीनिंग समझें। जैसे आपको पता है कि पानी हमेशा उच्च सतह से निम्न सतह की ओर प्रवाहित होता है। यदि पानी के बहाव को हम देखें तो आपको पता है कि पानी हाई लेवल से लो लेवल की ओर प्रवाहित होता है। पानी का जो बहना है वह पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, पानी की सतह पर निर्भर करता है। ऊंचे तल का पानी हमेशा नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। उसी प्रकार से मान लो हमारे पास दो आवेशित पिंड हैं ए और बी। ये दोनों आवेशित पिंड में, मान लो इसके पास
100 कूलाम आवेश है, इसके पास मान लो 10 कूलाम आवेश है और एक चालक तार से इसको जोड़ दें तो आवेश यहाँ से यहाँ प्रवाहित होगा, ये हम नहीं कर सकते। अभी हम नहीं बता सकते कि आवेश किधर प्रवाहित होगा। लेकिन यदि हमको ये बताया जाए कि ए के पास 20 वोल्ट का विभव है, इसके पास 5 वोल्ट का विभव है, अब हम बता सकते हैं कि आवेश ए से बी में प्रवाहित होगा। इसका मतलब विभव ही बताता है कि आवेश का प्रवाह किधर होगा। तो विभव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीधा आपको डेफिनेशन बता दूं, देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप यदि सिर्फ फार्मूले डेरिवेशन रट लिए तो अच्छा कमांड नहीं हो सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके कॉन्सेप्ट पर आपका कमांड होना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है। तो 9th और 10th क्लास में खासकर आपको फिजिक्स की पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन क्लास है ये, तभी जाके आपको 11th 12th क्लास में अच्छे से समझ में आएगा। तो विभव का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि विभव का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक, कि आवेश सदैव, ठीक है, आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आवेश सदैव उच्च विभव से, उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इसका मतलब यह है कि यह आवेश प्रवाह की दिशा बताता है, बात क्लियर है। आवेश सदैव उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, यह तो मैंने मीनिंग बताया। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन कि वास्तव में विभव का परिभाषा क्या है। तो विभव की परिभाषा हम एक फार्मूला से करेंगे और वो विभव का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये विभव की परिभाषा है, एक सूत्र है, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलना। विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। यहाँ पर W क्या है, कार्य है, यहाँ पर W कार्य है और Q क्या है, आवेश है। अब यहाँ देखो, यदि हम आवेश को इकाई ले लें, यदि Q को हम क्या करें, एक इकाई ले लें, मैंने एक एकांक आवेश पर हम बात करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो V है वह W के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आवेश यदि इकाई हो तो एक हो जाएगा, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो विभव क्या होता है, सदैव कार्य के बराबर होता है जो कि एकांक आवेश पर किया जाता है, या उसको हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो एकांक आवेश पर हम कौन सा कार्य करते हैं, इसका एक स्पेशल कंडीशन है, सिचुएशन है, वो ये है कि सपोज ये हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये जो मैंने घेरा है ये एक विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में हम एकांक आवेश को Q इक्वल टू 1 को हम इस विद्युत क्षेत्र में लाना चाहते हैं। और कहाँ से लाना चाहते हैं, ये जगह फिक्स नहीं है, मतलब वो अनंत है, जो जो स्थान जो पोजिशन परिभाषित ना हो, जिसके बारे में हम ना जाने, उसे हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। तो अननोन प्लेस से, मतलब अनंत से, अनंत से एकांक आवेश को यदि विद्युत क्षेत्र तक लाया जाए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, कोई भी आवेश अपने आप विद्युत क्षेत्र में नहीं आएगा, उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ये तो मैंने पहले बताया, वो विभव का क्या है, परिभाषा नहीं है, ये इसका मीनिंग है, मायने है, ठीक है। विभव को यहाँ पर लिख देना आवेश प्रवाह की दिशा, आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक, आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक विभव है। कि यहां पर मैंने जो लिखा है इस बात को भी आप ध्यान में रखना कि आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। और परिभाषा इसका कहता है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना हमको कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और विभव का मात्रक होता है क्या, वोल्ट। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। इस तरह से यदि हम एक वोल्ट की परिभाषा करें, एक वोल्ट, यदि हमको एक वोल्ट की परिभाषा करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो एग्जाम में एक वोल्ट का परिभाषा आता है, बोर्ड एग्जाम में। तो एक वोल्ट का परिभाषा करने के लिए हम दोनों को इकाई ले लेते हैं, कैसे है? यदि हम W इक्वल टू एक जूल ले लिए, जूल क्या है, जूल कार्य का मात्रक है, तो W इक्वल टू 1 जूल, और Q इक्वल टू ले लिए 1 कूलाम, एक कूलाम ले लिए, यदि ये दोनों मान को इस सूत्र में भर दिया जाए तो V बराबर क्या हो जाएगा,
एक बटे एक माने एक और ये होगा वोल्ट। इस प्रकार से एक वोल्ट की परिभाषा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि एक जूल का कार्य करना पड़े, मतलब मेरे को यदि एक कूलम आवेश को अनंत से लाना है, कहाँ तक लाना है, विद्युत क्षेत्र में लाना है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए मुझे जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या होगा, एक वोल्ट के बराबर होगा। ये कहलाता है विभव। और विभव के बाद जो कॉन्सेप्ट हमको पता करना है वो है विभवांतर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, छोटा सा परिभाषा है बस, विभवांतर। नाम से स्पष्ट है विभवांतर, इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, और विभवांतर का मतलब है विद्युत क्षेत्र के किसी किन्हीं दो बिंदुओं के विभव में अंतर। विभव धन अंतर बनता है विभवांतर, मतलब विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर है उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज एक बिंदु ए है और एक दूसरा बिंदु मान लो यहाँ पर बी है, ए और बी दो बिंदु है, यहाँ का विभव मान लो वी ए है, यहाँ का विभव मान लो क्या है, वी बी है, तो विभवांतर मतलब क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे। और इसका भी फार्मूला क्या होगा, डब्ल्यू अपान क्यू, और मात्रा वही होगा वोल्ट। इस प्रकार से ये विभवांतर कहलाता है। किसी चालक तार का, किसी विद्युत क्षेत्र का विभवांतर का मतलब होता है उनके दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखना है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि किसी भी परिपथ में जब तक विभवांतर उत्पन्न नहीं करेंगे, किसी भी परिपथ में जब तक हम विभवांतर उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक उसमें धारा प्रवाहित करना संभव नहीं है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे पानी का दो सतह यदि बराबर हो, तो आप पानी को एक से दूसरे में प्रवाहित नहीं कर सकते, होगा क्या, नहीं पॉसिबल है। आपको वाटर फ्लो करने के लिए दोनों के लेवल को अप एंड डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। नदियां पहाड़ से निकल के नीचे आती हैं क्योंकि ऊपर होता है और ग्राउंड नीचे होता है। यदि दोनों बराबर हो, एक समतल सतह में हो, तो हम पानी को प्रवाहित नहीं कर सकते। केनाल नहर भी हम इसी कॉन्सेप्ट पर बनाते हैं कि उसमें ढाल दिया जाता है, ये आप सबको पता है। एग्जैक्टली वैसी यदि किसी परिपथ में हमको आवेश को प्रवाहित करना है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं धारा, विद्युत धारा, उसी का बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान लो हमको किसी चालक तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न नहीं किए, एक बिंदु का विभव उच्च और एक बिंदु का विभव निम्न न हो, तब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। मतलब यदि विभवांतर शून्य हो, मान लो विभवांतर शून्य हो माने दोनों बिंदुओं का बीच का विभव बराबर हो, तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। किसी भी सर्किट में हम धारा प्रवाहित तभी कर सकते हैं जब उसमें विभवांतर हो। यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना। यहाँ शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि इसमें 20 वोल्ट है, इसमें 5 वोल्ट है, तभी हम इसमें आवेश को प्रवाहित कर सकते हैं। यदि मैं इसको भी 20 वोल्ट कर दूं तो इसमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं है, ओके। तो ये है विभव और विभवांतर। अब हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर आते हैं, वो है ओम का नियम, ओम्स लॉ। और ओम का नियम इलेक्ट्रिसिटी का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ओम के नियम के आधार पर ही सब कुछ यहाँ पर पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए, ये जितना भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ इसको आप 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, पूरा 12th का फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, इसीलिए अपना कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर रखो। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम या ओम्स लॉ क्या है, देखो ओम नामक साइंटिस्ट ने बताया कि यदि किसी चालक में, सपोज यहां पर मैं एक छोटा सा सर्किट बना दूं इसको समझने के लिए, यह एक चालक तार है सपोज ए बी, और इस चालक तार में हमने एक बैटरी लगा दिया, ये बैटरी, और बैटरी के साथ हम कुंजी लगा दिए ताकि स्विच, ये स्विच है जिसको ऑन ऑफ कर सकें, और ये एक चालक तार है ए बी, और इन दोनों तारों के बीच विभवांतर है क्योंकि बैटरी लगा दिया है। अब यदि हम इस चालक तार में धारा प्रवाहित करें, मान लो इस चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं I,
और इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर मान लो वी है। तो ओम ने बताया कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए और तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, मतलब उसका भौतिक अवस्था क्या हो, स्थिर हो। भौतिक अवस्था का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसका ताप, दाब, आयतन, लंबाई, चौड़ाई सब क्या हो, नियत हो, माने उसके भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। ये कंडीशन है उसके लिए, क्योंकि मान लो हम तार को गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, उसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं, तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो रहा हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यह है ओम का नियम, जिसको आप कथन के रूप में यहाँ पर शब्दशः लिखोगे, बुक से लिख सकते हो, या मैं पढ़ा रहा हूँ उससे याद होगा वहाँ से लिख सकते हो। वैसे किसी भी साइंटिस्ट के स्टेटमेंट को, कथन को शब्दशः लिखना है परीक्षा में आएगा, अपने शब्दों का उपयोग करके व्याख्या नहीं कर रही हूँ उसकी, ठीक है। तो क्या हो गया इसका कथन, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो रहा हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आगे हम इसको यदि साल्व करें तो दैट इम्प्लाइज भी, इस समानुपात के चिन्ह को बराबर में जब बदलते हैं तो यहाँ पर हमको एक समानुपातिक नियतांक का गुणा करना पड़ता है। और मान लो समानुपातिक नियतांक है R, तो R इंटू आई, और यहाँ पर जो ये R है, जो कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं प्रतिरोध, इंग्लिश में रेजिस्टेंस। ये है प्रतिरोध, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इस प्रकार से V इक्वल टू आई इंटू आर, में R प्रतिरोध है और ये एक नियतांक है। देयरफॉर यदि हम R को परिभाषित करना चाहें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो R इक्वल टू V अपॉन आई होता है, मतलब चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात है वह एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। वास्तव में प्रतिरोध का मतलब होता है तार के, मतलब चालक तार में प्रवाहित धारा का विरोध, मतलब यह धारा के प्रवाह का विरोध करता है, अवरोध है, वो ये रोकना चाहता है, ये इसकी प्रकृति है कि धारा के प्रवाह को रोकना चाहता है, ये इसका बेसिक मीनिंग है। लेकिन हम इसकी परिभाषा पर बात करें तो परिभाषा क्या होता है, वी अपान आई, मतलब चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि प्रतिरोध जो होता है इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, यदि I इक्वल टू वन, यदि हम धारा को एक इकाई मान लें तो उस कंडीशन में यह जो R है वह V के बराबर हो जाएगा, R जो है V के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से देखो ये वन हो गया। तो परिभाषा ऐसा भी कर सकते हैं, यदि किसी चालक तार में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा, इकाई धारा प्रवाहित करने पर सिरों में जो विभवांतर होगा वह उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, ऐसा भी कह सकते हैं, या इसका अनुपात प्रतिरोध के बराबर होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। यह कहलाता है ओम का नियम। अब हम देखते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको प्रतिरोध का मात्रक, धारा की परिभाषा नहीं बता पाया, विभव के बाद मुझे आपको धारा का परिभाषा बताना था, और धारा के परिभाषा के बाद आपको ओम का नियम, क्योंकि यहाँ पर मैं विभव तो बता दिया, आपको धारा भी जानना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको समझा दूँ, फिर यहीं पर मैं कंटिन्यूस आपको धारा भी समझा दूँगा, ठीक है। मैं सीधा ओम के नियम में चले आया, पहले इसको समझा दूँ। इसका मात्रक होता है ओम, आर्डर थोड़ा आगे पीछे कर लिया मैं, ओम होता है, और इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, यह वास्तव में ओमेगा है, ग्रीक लैंग्वेज का ओमेगा है, और इससे हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और एक ओम की यदि हमको परिभाषा करना है, एक ओम, तो एक ओम की परिभाषा करने के लिए इस सूत्र में क्या करेंगे अपन, वी को यदि वी बराबर एक वोल्ट और आई बराबर एक एम्पियर, यदि वी बराबर एक वोल्ट और आई बराबर एक एम्पियर ले ले तो उस कंडीशन में प्रतिरोध एक ओम हो जाएगा। और इसकी परिभाषा हम कैसे करेंगे, ये R इक्वल टू वन ओम। तो परिभाषा किस प्रकार करेंगे, देखो यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर, क्या है, धारा का मात्रक है, अभी बताता हूँ मैं, यदि किसी चालक तार में
एक एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एक वोल्ट हो तो उसका प्रतिरोध क्या कहलाता है? एक ओम कहलाता है। क्लियर? तो ये है प्रतिरोध की परिभाषा। इससे पहले मुझे पढ़ाना था धारा, चलो कंटिन्यूस यहीं पर पढ़ा देता हूँ मैं। विभवांतर के बाद सीधा चला आया ओम के नियम पर, कोई बात नहीं, आप लोग आगे पीछे पढ़ लेना। वैसे जब आप पढ़ाई करोगे तो करंट को पहले पढ़ना फिर ओम के नियम, या जैसे आप नोट्स बनाओगे, जब आप नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले आवेश लिखना, आवेश के बाद विभव विभवांतर लिखना, विभव विभवांतर के बाद धारा लिखना, और धारा के बाद फिर आना किस में, आप ओम के नियम में। क्योंकि जब तक आप दोनों चीज़ समझ लोगे तभी तो ओम का नियम समझोगे ना। तो धारा, तो करंट क्या होता है, देखो करंट को हम प्रवाहित प्रदर्शित करते हैं I से, और I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। यहाँ पर Q क्या है? आवेश, छोटा सा डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। और T क्या है? समय। और आपको मालूम है कि किसी भी भौतिक राशि में जब समय का भाग दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दर। दर कहा जाता है रेट। तो धारा का परिभाषा क्या हो जाएगा? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा का मतलब क्या हो गया? आवेश प्रवाह की दर। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, माने किस रेट से उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये चालक तार है तो इसमें जो आवेश प्रवाह की दर है उसे ही हम क्या कहेंगे? धारा कहते हैं। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बस और कोई परिभाषा नहीं इसकी। और इसका मात्रक, इसका जो मात्रक है वह होता है एम्पियर। एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने इसे बताया था, इसलिए इसका मात्रक हम क्या लेते हैं? एम्पियर लेते हैं। और एम्पियर इसका मात्रक है, ये शॉर्ट फॉर्म में ए एम पी या फिर हम ओनली कैपिटल ए लिख देते हैं। तो वन एम्पियर का, ठीक है, वन एम्पियर, एक एम्पियर के यदि हमको परिभाषा करना है, जैसे भी मैं यहाँ एक ओम की परिभाषा बताया, वहाँ एक वोल्ट की परिभाषा बताया, वैसे यहाँ पर यदि हमको एक एम्पियर की परिभाषा बनाना है तो यहाँ पर आवेश को क्या करेंगे? यदि आवेश क्या हो? एक कूलाम हो, कूलाम आवेश का मात्रक है ना। और टी क्या हो? टी क्या हो? एक सेकंड हो, ठीक है। यदि आवेश एक कूलाम हो और समय क्या हो? एक सेकंड हो, तो उस कंडीशन में ये जो आई है, आई इक्वल टू हो जाएगा वन एम्पियर, एक एम्पियर की, यहाँ पूरा लिख देता हूँ, एक एम्पियर की परिभाषा। ये वन एम्पियर हो गया, आई वन एम्पियर। तो परिभाषा हम कैसे कहेंगे? यदि किसी चालक तार में एक कूलाम आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, यदि किसी चालक तार में एक कूलाम आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा को हम एक एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो ये एम्पियर धारा को पहले लिखना, उसके बाद लिखना आप ओम का नियम। तो ओम का नियम एक बार और मैं रिपीट कर दूँ, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दैट मीन्स वी इक्वल टू आर इंटू आई, आर इक्वल टू ये। ये मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि आप 12th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ोगे। बेसिकली आप हमारे चैनल में देखते होगे तो 11th 12th क्लास का IIT JEE नीट के प्रिपरेशन के लिए बहुत से वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के स्पेशल डिमांड पर 10th क्लास के लिए साइंस के फिजिक्स पोर्सन का वीडियो बना रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में तो मैं बना चुका हूँ, हिंदी में भी बना रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट लोग बहुत रिक्वायरमेंट था। और मैंने भी सोचा कि जब इन्हीं स्टूडेंट्स को मेरे 12th क्लास के वीडियो आगे देखने हैं तो 10th से यदि उनका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो तो वो मेरा लैंग्वेज, मेरा पढ़ाने का तरीका इसको 12th में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो 10th क्लास में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो फिजिक्स का बेस है वो पहले से स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप जाके हायर क्लास में जाओ, बड़ी कक्षाओं में जाओ तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो ये आप देखिए ओम के नियम तक। इसके बाद हम इसमें जो देखते हैं वो है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। ये जो हमने यहाँ पर प्रतिरोध पढ़ा वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। क्लियर? तो मैं ये वाला पोर्शन बस इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, और यहीं पर मैं आपको समझा रहा हूँ। एम्पियर को पहले लिखना नोट्स में, आप जब आप मेरा वीडियो देखने के बाद फिर नोट्स बनाओगे तो धारा की परिभाषा पहले लिखना फिर ओम के नियम को लिखना। मेरा आर्डर थोड़ा आगे पीछे हो गया। देखो आर को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर को प्रभावित करने वाले कारक, आर को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है ये हमको पढ़ना है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, तो आप आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर हम आपके क्लास के लेवल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। पहला जो कारक है वह है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब ये एल क्या है, तार की लंबाई है, ये जो हमने यहाँ पर तार यूज़ किया है ए भी उसकी लंबाई, मतलब प्रतिरोध आर जो है तार की लंबाई के समानुपाती होता है। और समानुपातिक संबंध का मतलब क्या होता है कि एल को बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा। मतलब चालक तार की लंबाई समानुपातिक संबंध का मतलब एक राशि को आप बढ़ाओगे तो दूसरी राशि में भी क्या होता है, वृद्धि होता है, एक को घटाओगे तो दूसरे में भी कमी होता है, घटता है, ये कहलाता है समानुपातिक संबंध। तो तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो हमको लंबा तार, आपने देखा होगा जब दूर तक हमको कभी कनेक्शन ले जाना होता है, गांव में अपन कुछ फंक्शन कर रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, दूर तक अपने को करंट मैदान तक ले जाना है, तो देखोगे कि वहाँ पर लाइट की रोशनी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि लंबा तार यूज़ करने के कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ेगा निश्चित रूप से तो धारा का मान कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है हमको वहाँ पर कम करंट मिलता है। तो तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ये ध्यान में रखना। दूसरा महत्वपूर्ण बात है R प्रोपोर्शनल टू A, यहाँ पर A क्या है, तार का क्षेत्रफल है, तार का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक चालक तार है तो ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाएगा, तो उसके ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या है कि तार के मोटाई को उसके क्षेत्रफल को यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, उल्टा संबंध, यहाँ पर तार को पतला कर देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आप जानते हो कि जब दूर तक हमको करंट ले जाना होता है तो हम तार को मोटा यूज़ करते हैं, मोटे तार को यूज़ करते हैं, उसकी मोटाई ज़्यादा लेते हैं। क्यों, क्योंकि आप इसको जितना बढ़ाओगे प्रतिरोध उतना ही कम होगा, तो इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण संबंध है वह ताप, आर प्रोपोर्शनल टू टी, यहाँ पर टी ताप है ना, ध्यान रखना, समय मत समझ लेना वहाँ पर ना, गड़बड़ हो जाएगा। ए फॉर एरिया, एल फॉर लेंथ, यहाँ पर टी फॉर टेम्परेचर। तो R प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब क्या हुआ कि चालक तार के ताप को बढ़ाने पर, मतलब यदि हम हमारे पास जो चालक तार है उसको गर्म कर दिए तो गर्म कर देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्लियर। इसके ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में वोल्टेज प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि पूरा हमारा सर्विस वायर या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो हमारे घर तक पहुँचने के लिए जो तार यूज़ किया जाता है वो सब क्या होता है, वातावरण के टेम्परेचर के कारण गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने के कारण क्या होता है, हमको धारा कम मिलती है। या आपने घर में उल्टा भी संबंध देखा होगा कि प्रतिरोध ज़्यादा हो तो ताप अधिक होता है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसमें जो तार यूज़ किया जाता है वो गर्म नहीं होता, लेकिन वही करंट जब क्या होता है हीटर में जाता है, चाहे वाटर हीटर में जाए चाहे रूम हीटर में जाए, कोई भी हीटर में जब जाता है उसको गर्म कर देता है। तो यहाँ पर एक सोचने की बात है भाई कि वो धारा जब कॉपर के वायर में घर में घूम रहा है तो किसी को गर्म नहीं कर, उतना गर्म करे तो तार तो गल जाएंगे, लेकिन वही करंट जब हीटर में जाता है तो उसको क्यों गर्म कर देता है। तो उसका सीधा संबंध किससे है, उसके प्रतिरोध से है, क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो ताप भी ज़्यादा रहेगा। वो लोग हाई रेजिस्टेंस वायर हैं, जैसे नाइक्रोम, टंगस्टन, ये सब क्या होते हैं, हाई रेजिस्टेंस वायर हैं, अधिक प्रतिरोध वाले तार हैं, जिनके कारण उनको करंट दोगे तो उनका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये तीन हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें से संबंधित क्वेश्चन कभी भी आपको बोर्ड एग्जाम में छोटा क्वेश्चन एक नंबर का या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखें एक नई बात, यदि हम इन दोनों संबंध को मिला दें, एक और दो को, तो इन दोनों संबंधों को मिलाने पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो अभी से हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो भी इंग्लिश नाम को याद करो, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। इसीलिए मैं सब चीज़ को दो दो लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, सब चीज़ को मैं देखो सब चीज़ को मैं इंग्लिश में भी आपको बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के बाद भी आपको ये ध्यान में रखना है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहलाता है, देखो यदि हम इन दोनों संबंध को मिला दें, किसको, एक तथा दो को, तो एक तथा दो से यदि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। दैट इम्प्लाइज आगे इसको यदि हम साल्व करें
तो क्या हो जाएगा, देखो आर इक्वल के प्रोपोर्शनल को इक्वल में हम बदल दें तो यहाँ पर एक नए नियतांक का गुणा करना पड़ता है। इस तरह से आप देखो इसको बोलते हैं रो, पर लिख रहा हूँ ये बॉक्स बना के उसको अलग से परिभाषित कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। तो रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल, यहाँ पर देखो इस सूत्र को, इस सूत्र में यदि मैं एल को वन ले लूँ और ए को भी वन ले लूँ, मतलब चारक तार की लंबाई को इकाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी इकाई ले लूँ इस फार्मूला में, तो आप वहाँ से देख रहे हो उस कंडीशन में रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा क्या बनेगा, देखो विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट मतलब विशेष प्रकार का। अब इसका मात्रक देखें तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका मात्रक एग्जाम में बहुत पूछता है मात्रक, यहाँ से देखो ये लंबाई का मीटर वर्ग बटे मीटर, एक मीटर कट जाएगा ये ओम, तो इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, तो ओम मीटर क्या है इसका मात्रक है, इसका मात्रक है ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना विशिष्ट प्रतिरोध इसके बाद मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है इसको ना यहाँ, तो ये कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध। तो यहाँ तक जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाया ओम के नियम तक प्रतिरोध तक, एक बार मैं रिपीट करता हूँ ध्यान से सुनो, आवेश का कॉन्सेप्ट, आवेश के बाद विभव और विभवांतर का कॉन्सेप्ट, विभव और विभवांतर के बाद धारा का कॉन्सेप्ट, धारा समझने के बाद ओम का नियम, ओम के नियम में प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध का, ये सब छोटे छोटे बेसिक चीज़ हैं जो आपके क्लास के सिलेबस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप टेंथ लेवल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, एनटीएससी वगैरह के एग्जाम में भी आप लोग बैठते हो, तो ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सब क्या है उसमें काम आते हैं। और ट्वेल्थ क्लास में जब आप साइंस लोगे और फिजिक्स पढ़ोगे, चाहे बायो स्ट्रीम में जाओ चाहे मैथ स्ट्रीम में जाओ, आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब बेसिक फाउंडेशन आपको काम आएगा। ओके, तो मैं आज के क्लास को यहाँ पर क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊँगा इसी चैप्टर का टॉपिक, जिसमें हम प्रतिरोधों के समूहन, श्रेणी समूहन, समांतर समूहन वगैरह के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीज़ आप पहले बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर लीजिए, तब मेरा सेकंड लेक्चर आपको समझ में आएगा और वो मैं बहुत जल्दी आपको दूंगा, लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। ओके ओके, थैंक यू।